कहाँ पैदा हुआ ये बस कुत्ते का साइज का फिर इसका साइज ये देखो ये इसका साइज है और एक ये इसे मैं उठा के छोड़ दूंगा कहीं भी ये इतनी छोटी है ये इतनी छोटी चीज है आओ चलो ये देखो दोनों का साइज देखो इनका Hello guys, welcome back to the channel and this is our day to our Uttarkashi ride. आज हम हैं यमुनोत्री धाम पे और अभी हम जा रहे हैं ट्रैक करने ट्रैकिंग के लिए साथ में है मुदित यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है मतलब ज़्यादा नहीं ठीक है आज तो बल्कि धूप निकली है तो रात में टेम्परेचर था अराउंड 0 या -2 समथिंग अभी टेम्परेचर है 7-6 डिग्री सही है बढ़िया मौसम है वो शायद कल हम रात को यहाँ थोड़ा देर से आए थे 7:30 बजे करीब आए थे हम है ना 6 बजे करीब आए थे हम 6 बजे आए थे और 7:30 बजे मंदिर बंद होना था तो हम काफ़ी सही समय आ गए थे 6:30 पे रूम मिले हाँ 6:30 बजे रूम वगैरह लिया अपना आरती वारती ली फिर खाना भी रखा के सो गए बाकी अभी हम जाते हैं ट्रैक पे ट्रैक के नज़ारे दिखाएंगे आपको बीच में और आज हम सोच रहे हैं आज शायद आज हम यहाँ स्टे ले सकते हैं लेंगे या नहीं लेंगे वो बात की बात है बहुत सामने ये मुझे ग्लेशियर है और ये यमुना जी यहाँ पे कितने साफ और सुंदर हैं और दिल्ली और आगरा में नाश कर रखा है भाई इतनी गंदी हालत कर दी ना यमुना जी की बस देख के भी दुख होता है श्री यमुनोत्री धाम यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत सो फाइनली अब यहाँ से हमारी ट्रैक शुरू होगी ये जरा ट्रैकिंग का रास्ता ये हमारे दोस्त छोटे लोग चलो भाई ट्रैकिंग करते हैं शुरू देखते क्या हालत ख़राब हो गई है क्या होगा जो भी है सब भगवान भरोसे बाय यमुना जी ट्रैकिंग का द्वार देखो ये पता नहीं कहाँ से हमारे साथ साथ चले जा रहा है इसको कई बार हमने बीच में खाना भी दे दिया बिस्किट भी दे दिया खा के चला जाए नहीं मान नहीं रहा 4.5 किलोमीटर अब मुझे वो कहानी याद आ रही है जैसे पांडवों के साथ नहीं गया था एक काला कुत्ता और धीरे धीरे पांडव एक कम होते गए अंत में युधिष्ठिर और वो कुत्ता बचा था बस ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो जाए बाकी सब तो ठीक है और यहाँ पर ना हमारी डिवाइस की बैटरीज बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है सर्दी की वजह से चलो अभी के लिए बाय आगे मिलते हैं आधा रास्ता तो हम तय कर चुके हैं और ये देखो ये और रखे हैं लैंडस्लाइड क्या खतरनाक है और ये चट्टान पूरी आके गिरी हुई ऊपर से और ऊपर ग्लेशियर पे बर्फीला तूफान चल रहा है और यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है अभी ग्लेशियर इस पहाड़ के पीछे चला गया तो दिखा नहीं पा रहा मैं हम पीछे तक तो दिख रहा था बर्फीला तूफान आया हुआ बढ़िया वाला पूरा कवर हो गया ग्लेशियर ये बाबूजी हार नहीं मानते इसमें अलग जोश है
यार ये वाला ट्रैक थोड़ा हार्ड लगता है, सीढ़ियों वाला सा उबड़ खाबड़ सा रास्ता। चले चल सालों में बहन जी पहुंच जाता है तो तू मैं है नहीं ना, तू सारे तुम दोनों के साथ हूँ ना, दोनों के इसे संभाल ले पहले अपने को। इसे तो मैं ही बैठा दूँगा, रात में बैठा दूँगा। हालत खराब हो गई, 2.5 किलोमीटर बचा और अभी सही आ गए वैसे हम तेज तेज, वो बता रहे हैं हालत खराब हो गई। सीधा सीधा रास्ता था, मुश्किल चीजें शुरू हुई। यहाँ से रास्ता ख़राब है यार, एकदम खड़ी चढ़ाई है वो सीढ़ियों वाला रास्ता। जिंदगी भर का लेग डे का वर्कआउट हो जाएगा आज, आज हकीकत में हो जाएगा। हालत तो ख़राब, हालत हो गई और अभी 2.5 किलोमीटर और जाना है। चलो अब चलते सीधा मंदिर पे। देखो सामने ऊपर सॉरी सामने मस्त पहाड़, और हमें बस थोड़ा ही आगे जाना है, 500 मीटर बचा है। ये बाबूजी यहाँ पर लाए हैं, थोड़े दूर है आ गए। ऐसे सही है, यहाँ पे ऑफ सीज़न आना सही है, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली रास्ते। और सीज़न में वैसे यहाँ पे आते हैं तो चीज़ें एक तो महंगी हो जाती हैं, फिर इसी रास्ते पर जो भी आपने देखा इस पर सारे यात्री चल रहे होते हैं, और ये जो खच्चर वगैरह होते हैं ये सब घोड़े खच्चर ये सब आते हैं सेम रास्ते पे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हेक्टिक सी हो जाती हैं। और अभी एज सच कुछ महंगा भी कुछ नहीं है, 600 रुपये में हमें यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई, और खाना भी अच्छे खासे रेट पर हो गया, अराउंड 300-400 रुपये में हमारा खाना हो गया। और खाना भी प्रॉपर खाना, हल्का हल्का नहीं खाते हम, मतलब दाल रोटी सब्जी काफ़ी टेस्टी खाना था, लेकिन बढ़िया खाना था बजट में सारे काम हो गए। यहाँ पे एक ऑफ सीज़न आने का मेन मकसद यही था हमारा, ट्रैक भी हो गया, खाली खाली रास्ते कोई है ही नहीं, और कुछ दिक्कतें भी नहीं हुई। और यही अगर सीज़न का समय होता ना तो इतनी भीड़ होती यहाँ पे कि पैर रखने को भी जगह नहीं होते, भाग दौड़ मचरी होती वो अलग। अच्छे से दर्शन हुए, और मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि लाइन लाइन में कई कई घंटे लगे रहना पड़ता है, और धक्का मुक्की होती है और ये सब। और अभी हमने दर्शन किए कल जब हम यहाँ पहुँचे आरती के समय पे, मतलब तो पूरे पूरे मंदिर वाले एरिया में जितना भी बड़ा वो मंदिर था उस पूरे एरिया में हमें मिला के सिर्फ 16 लोग थे, एकदम खाली खाली। मस्त हमने आरती की, हमें फिर भोग वगैरह भी लिया हमने, अरे अच्छे से दर्शन हुए बढ़िया बैठ के। और यही अगर मेन सीन होता ना यात्रा वाला जो सीज़न वाला होता है, इतने आसानी से ना हो पाते। अब तो आई गए खैर सामने ही है, और हमने अराउंड अब से 2 घंटे पहले शुरू किया था ट्रैकिंग, 2 घंटे में हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें भी इतना ही टाइम लगता है ऑलमोस्ट, हालांकि हालत थोड़ी सी ख़राब हुई बीच में, और जो लास्ट का 1.5 किलोमीटर था वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप था, और वो मतलब ऐसा सीढ़ियों वाला रास्ता होता है ना, वो स्टेप्स बने हुए थे तो वो थोड़े से ज़्यादा हैवी पड़ते हैं चढ़ने में, पैर भर जाते हैं उन पे, सांसें फूल जाती हैं। अब ये वाला थोड़ा सा ढलान वाला रास्ता है तो यहाँ चलना आसान पड़ रहा है। श्री यमुनोत्री धाम यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। वो रहा मंदिर सामने, ये रहा मरीज सामने, वो रहा ग्लेशियर ऊपर सामने, मस्त। उन ग्लेशियर्स के ठीक पीछे कोरोना है कोरोना ही आधे से ज्यादा नहीं भाई सभी समझ गए कोरोना प्लस टू चाइना, और ठीक पीछे कोरोना है उससे अपने कुछ खास मतलब है नहीं। वो देखो सामने मंदिर, चलते थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाएंगे,
अभी थोड़ा सा रास्ता और बाकी है। देखो यमुना जी आवाज़ आ रही होगी आपको, सुना? बर्फ। थोड़ी सी बर्फ है। आम चीज़ है। ये देखो बदला, ये मारी इसने उसको। अभी रुक। आजा आजा आजा, चलो चलो, आजा आजा, चलो चलो। इनके मारे ऑटो, इनके मारे सच सच सच, इनके खा गया, पर खा गया। हाँ भाई मौत चल रही है। चल भाई छोटे, इस हरामे से बदला लिया जाएगा। यार स्कैन हियर। अरे ये देखो एक बार, वहां लिखा हुआ था क्या है, शायद इसी ये इसी को शायद इसी को स्कैन करवाना था। अरे ऐसा मुझे क्या नहीं, देखो मैं देखा ये लिखा हुआ था स्कैन हियर, ठीक है, और ये रहा स्कैनर। हाँ भाई स्कैनर, चलो बाय बाय आओ भाई। ये है देखो ऑफ सीजन आने का मजा, कुछ भीड़ भड़कता नहीं है, कुछ धक्का मुक्की नहीं है, सब कुछ खाली, आराम से आओ आराम से जाओ। ये देखो भाई इसकी हिम्मत है, इसीलिए डॉग्स तो बोलते हैं मैंस बेस्ट फ्रेंड, लॉयलिटी। कोविड केयर सेंटर, यही है। चलो ऊपर चले, हमारा स्कैनर हमारे साथ चल रहा है। सब कुछ अबैंडन पड़ा हुआ है अभी तो। एक ये रहा, ओए इधर आओ, ये मेल, ये भी मेल है, ये दोनों एक दूसरे के टेरिटरी में आ गए। बस बस चलो, चलो 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 आगे चलो, बस 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 चलो। अर्पण अर्पण कितनी जल्दी हटा, इसको बचाना तो पड़ेगा। ये आगे मेन मंदिर, अभी बल्ली बल्ली लगा, कुछ रेनोवेशन चल रहा है शायद।
या आने वाले सीजन की तैयारी कर रहे हैं लोग। जय श्री यमुना। जा सकते हैं अंदर। अभी रेनोवेट चल रहा है। अभी देखो ये है मेन मंदिर। अभी कपाट बंद है। यहाँ से मूर्ति वहाँ रखी जाती है जहाँ कल दिखाया था आपको, जहाँ कल हमने आरती ली थी। अभी ये बंद है, यहाँ रेनोवेशन चल रहा है। यहाँ से मेन मूर्ति को वहाँ लाया जाता है। फिर सीज़न शुरू जब हो जाता है तो वापस वहाँ से यहाँ ले आते हैं। देखा, हाँ देखो काम चल रहा है, यहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है। बहुत खूबसूरत जगह। ये भी एक मंदिर है, शिरो हनुमान, हनुमान मंदिर है शायद से। ये देखो ये है चूड़ा कर्म स्थल, लिखा है द्रौपदी महाकुंड। देखो बहुत गर्म, हाँ बहुत गर्म है ये, सच में खोलता हुआ ये बहुत गर्म है। इतने ऊंचाई पे बर्फ के बीचों बीच इतना गर्म पानी, हाउ। मेरे घर सो गाइस, फाइनली हमारा नहाना धोना हो गया डन। और नहाना मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने कुंड है, ये आपको शायद दिख रहा होगा, ये इधर ये कुंड है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये पानी नेचुरली गर्म रहता है, पता नहीं कैसे, मतलब पहाड़ों के बीचों बीच इतने बर्फ से घिरा हुआ है ये सब मंदिर, इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ और ये पानी फिर भी इतना गर्म रहता है। मज़ा आ गया नहा के, दो तीन दिन की सारी थकान एकदम से ख़त्म हो गई। ऐसा लगा कि मतलब अब इससे अच्छा इस ट्रिप पे कुछ हो ही नहीं सकता। हमने ये सोचा ही था, इतने में बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। अब यहाँ लाइव बर्फबारी चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अब देखो दिखेगी नहीं, ऊपर देखो जो ग्लेशियर मैंने दिखाए थे वहाँ एक बर्फीला तूफान, अब हवा के साथ साथ बर्फ यहाँ तक आ रही है। देखो ऊपर पूरा तूफान चल रहा है। चलते हैं, चल के कुछ खाएंगे, भूख लगेगी अब नहाने के बाद। ये हमारा पार्टनर, नींद पूरी कर ली, बहुत अच्छे से सोया खूब, बहुत शादी। चले भैया, चलो ये भैया आए हैं नेपाल से। भैया का नाम उमेश अधिकारी। क्या? उमेश अधिकारी। ओके उमेश अधिकारी, उमेश अधिकारी भैया का नाम है। नेपाल से हमें घूमने आए हुए हैं, यहाँ पे हमें मिले, बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर। अब चलते साथ में, चले भैया आओ। सो अभी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है, अभी ये मंदिर अभी यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा था, यहाँ पे रुकने का कुछ ठिकाना भी है नहीं। हाँ लेकिन नीचे लोग बोल रहे थे कि नीचे पुजारी जी हैं, वो करवा देते हैं व्यवस्था, लेकिन अभी क्योंकि काम चल रहा था नीचे की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। तो अब हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ हम कल रात रुके हुए थे। खो गया, है कहाँ ये? ये देखो सूर्य कुंड, यहाँ लिखा यह स्थान सूर्य कुंड है,
यहाँ पर माँ यमुना जी का मुख्य प्रसाद चावल के रूप में बनाया जाता है। कृपया शांति में प्रसाद बनाओ। ये देखो ये पानी इतना खौल रहा है ना, इस टाइम इतना उबल रहा है ये पानी कि आप इसमें ऐसे चावल डालोगे इसमें चावल उबल जाएंगे अपने आप। यहाँ प्रसाद के रूप में जो चावल बनते हैं या इसी पानी में ऐसे ही बनते हैं, इतना खौलता हुआ पानी है ये, सोचो। और नेचुरली कैसे ये नहीं पता, बस सूर्यदेव की अलग ही कृपा हो रही है यहाँ पर।